हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जैन जी मम्मीज किचन में। आज हम महाशिवरात्रि स्पेशल बनाने जा रहे हैं गरारू की सब्जी और मीठा चावल या सेसा। ये है तारू और ये महाशिवरात्रि के दिन ही बनता है गरवाल में। अब आज इसी का सब्जी बनाएंगे हम बिना लहसुन और प्याज का। हमने 2 चम्मच तेल लिए है और उसमें हम तारू का फ्राई करेंगे, फिर इसी तेल से सब्जी भी बनाएंगे। हमारा सब्जी फ्राई हो रहा है तारू का, तब तक हम 2 टमाटर पीस लेते हैं। 1, 2 सिर्फ टमाटर ही पीसेंगे हम। हमारा तारू फ्राई हो गया, अब हम इसको निकाल देंगे। आधा चम्मच जीरा, 2-4 काली मिर्च, थोड़ा सा मेथी पत्ती, एक 2 तेज पत्ती, पिसा हुआ टमाटर, व्रत के लिए बना रहे हैं तो प्याज और लहसुन इसमें हम नहीं डालेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, सबको भून लेते हैं। अब हम तारू को मसाला में डाल के थोड़ा भूनेंगे और तारू को एमपी में गरारू भी बोलते हैं। इसका सब्जी बहुत टेस्टी होता है, ज़रूर बनाइए। इसको थोड़ा मसाला के साथ भूनेंगे तो मसाला अंदर तक जाएगा तो अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए हमारा मसाला भून के तैयार हो गया। आप इसको सूखा खाएंगे तो ऐसे ही रख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसमें हल्का सा पानी डाल देती हूँ, थोड़ा टिक्की का रस अच्छा लगता है। हमारा तारू या गरारू का सब्जी तैयार हो गया। अब इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे। इसके साथ खाने के लिए हम सेसा या मीठा चावल बनाएंगे। सेसा बनाने के लिए हमने 1 कप चावल लिया है और इसको आधा घंटा के लिए भिगो दिए हैं। ये गरवाल का पारंपरिक मीठा चावल है सेसा, और हम पारंपरिक तरीके से ही बनाएंगे। ये कढ़ाई पे ही बनता है। अब घी ले लिए 1 चम्मच, जो 1 कप चावल लिए है उसको हम फ्राई करेंगे हल्का सा। ऐसे ही भूनना है, थोड़ा चम्मच चला लेंगे तो हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं। हमारा चावल फ्राई हो गया, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमने चावल पकाने के लिए 1 कप चावल के लिए 2 कप पानी लिए है। इसमें इस गुड़ को घोल लेंगे। आपको मीठा खाना होगा तो ज़्यादा गुड़ डाल सकते हो आप। अब हम 1 चम्मच घी डालेंगे। आधा टीस्पून जीरा, 2-4 काली मिर्च, 1 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 लौंग भी डाल दी उसमें, और मिर्च, थोड़ा सा सौंफ,
चम्मच चला लेते हैं। तेज पत्ती डाल दिए, अब हम इसमें गुड़ वाले पानी डालेंगे। ड्राई फ्रूट भी डाल लेते हैं। थोड़ा सा गुड़ हम ऐसे रखेंगे, चावल के साथ घुलेगा तो और अच्छा टेस्टी लगेगा। हमारा पानी उबलने लग गया। आपको चावल को फ्राई नहीं करना है तो इसमें घी मिक्स करके भी रख सकते हो। हम चावल डाल लेंगे। हम इसको ढक के पका लेंगे। हमारा मीठा चावल खिला खिला तैयार हो गया। देखिए मेरा टेस्टी दिख रहा है। ये गरवाली डिश है, पारंपरिक डिश, जिसको गरवाल में सेसा या मीठा चावल बोलते हैं। महाशिवरात्रि स्पेशल मीठा चावल सेसा या तारू की सब्जी आज हमने तैयार कर लिया। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों।